बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। माय डियर स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव डिस्कस्ड द टू पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर। नंबर वन, प्री फ्लेमिंग वर्ल्ड। नंबर टू, अर्ली लाइफ ऑफ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एंड इन टुडेज लेक्चर वी विल स्टडी द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। This is the most important part of this chapter. Okay, let's start the text. In 1928, Fleming was appointed professor of bacteriology in the University of London, and in the same year he hit on penicillin. Okay, hit on का मतलब है अचानक हाथ आ जाना या सूझना। Okay, 1928 में फ्लेमिंग वॉज अपॉइंटेड मुकर्रर होना प्रोफेसर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी का मतलब जसोमियात, इन द यूनिवर्सिटी ऑफ लंडन। एंड इन द सेम ईयर उसी साल ही हिट ऑन पेनिसिलिन। ओके, अब इसकी ट्रांसलेशन सुन लीजिए। 1928 में फ्लेमिंग को लंडन यूनिवर्सिटी में बैक्टीरियोलॉजी या जसोमियात का प्रोफेसर मुकर्रर किया गया। ओके, एंड इन द सेम ईयर, और इसी साल ही हिट ऑन अ पेनिसिलिन। ओके, और इसी साल उसे पेनिसिलिन मिल गई। तो अचानक द फ्रेज इज हिज ओन। फ्रेज वैसे कहते हैं अल्फाज का मजमुआ। ओके, यहाँ हम इसको कह सकते हैं, जुमले को कह सकते हैं कि ये जुमला उसका अपना है। आगे इन्वर्टेड कॉमास में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात को कोट किया गया है कि द वेरी फर्स्ट स्टेज इन द डिस्कवरी ही सेड वाज ड्यू टू स्ट्रोक ऑफ गुड फॉर्च्यून। गुड फॉर्च्यून, खुशकिस्मती। ओके, द वेरी फर्स्ट स्टेज कहने का दरियाफ्त का पहला मरहला महज खुशकिस्मती की अता थी। ओके, बट ओनली द फर्स्ट स्टेज, मगर सिर्फ पहला मरहला ही। ओके, क्या मतलब कहने का, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कह रहा है चूँकि पेनिसिलिन बिल्कुल एक्सीडेंटली बनी, ठीक है, अचानक बन गई, इसलिए वो कहता है कि इसके जो पेनिसिलिन की दरियाफ्त थी उसका पहला मरहला खुशकिस्मती की अता थी, मतलब जो उसकी गुड लक थी। उसने पिछले लेक्चर में, मैंने आपको बताया कि बड़ी आजिज़ी और इंकसारी से कह रहा है कि भाई ये चीज़ बड़ी अचानक हो गई, मतलब मेरा इसमें कोई बड़ा कारनामा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ। इन हिज लेबोरेटरी एट सेंट मैरीज ही वॉज कैरिंग आउट अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन द कॉमन जर्म कॉल्ड स्टेफिलोकोकल। ओके, कहता है अपनी लेबोरेटरी में सेंट मैरी अस्पताल में ही वॉज कैरिंग आउट वो परफॉर्म कर रहा था सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। सीरीज सिलसिला, एक्सपेरिमेंट तजर्बात का एक सिलसिला पसर अंजाम दे रहा था ऑन द कॉमन जम, कॉमन आम से जम जरासीम पे कॉल्ड स्टेफिलोकोकस, जिसका नाम, उस जरासीम का नाम स्टेफिलोकोकस है जो एक आम का जरासीम था। ठीक है, अब सुन लीजिए दोबारा से। सेंट मैरी में अपनी लेबॉर्ट्री में वो आम जरासीम की एक किस्म जिन्हें स्टेफिलोकोकस कहते थे पे तजर्बात का एक सिलसिला जारी रखे हुए था, या वो एक तजर्बात के लंबे सिलसिले को सर अंजाम दे रहा था। ओके, ही वॉज ग्रोइंग कलोनीज ऑफ द जर्म्स ऑन द प्लेट स्प्रेड विद अगार। ही वॉज ग्रोइंग वो अफजाइश कर रहा था कॉलोनी की ऑफ द जर्म्स जरासीमों की ऑन द प्लेटों पर स्प्रेड विद अगार, जिनके ऊपर अगार एक समुंदरी काई होती है, जैसे आप देखो सब्ज रंग की काई होती है, ठीक है, उसे बोलते हैं, या समुद्री नबातात से हासिल करदा मतलब एक मादा होता है, ठीक है, उसे भी अगार बोलते हैं। तो क्या मतलब है यहाँ पर, वो क्या कह रहा है कि वो प्लेटों पर फैलाए समुद्री नबातात से हासिल करदा मादे पर जरासीम की कॉलोनियाँ उगा रहा था। ठीक है, वो भी ये काम अपनी लेबॉर्टरी में कर रहा था कि एक प्लेट के अंदर वो सब्ज रंग का मादा जिसे हम काई बोलते हैं वो एक प्लेट में लगा रहा था। ओके, द प्लेट्स वर कैप्ट कवर्ड, ढांप देना, प्लेटों को ढांप दिया गया। बट टू एग्जामिन देम अंडर द माइक्रोस्कोप
ही हैड टू टेक द कवर्स ऑफ, कवर ऑफ मतलब उस ढक्कन को या चीज़ को हटा देना, ठीक है, अनकवर कर देना, ओके, बट टू एग्जामिन, एग्जामिन मुआयना करना, ओके, अंडर द माइक्रोस्कोप खुर्दबीन के नीचे, ओके, नेक्स्ट सुनिए, इसी के ट्रांसलेशन सुनिए कि द प्लेट्स वर केप्ट कवर्ड, प्लेटों को ढांप दिया गया, लेकिन राइटर कह रहा है कि लेकिन खुर्दबीन के नीचे इनका मुआयना करने के लिए इसे ढकना उठाना पड़ता था, ओके, क्योंकि उसके बगैर तो खुर्दबीन में नहीं देख सकता था अगर उसको कवर किया जाता तो खुर्दबीन में उस प्लेट को देखने के लिए उसे वो ढक्कन ऊपर से उठाना पड़ता था, ओके, एज सुन एज यू ओपन अ कल्चर प्लेट ही सेड आफ्टरवर्ड्स यू आर आस्किंग फॉर ट्रबल, ओके, अब कल्चर प्लेट क्या होती है, ऐसी प्लेट होती है कि जिसके अंदर मतलब वो तजर्बा करने के लिए जरासीम को की अफजाइश करता है, ठीक है, तो नेक्स्ट द प्लेट्स वर कैप्ट कवर्ड बट टू एग्जामिन देम अंडर अ माइक्रोस्कोप ही हैड टू टेक द कवर ऑफ, एज सुन एज यू ओपन अ कल्चर प्लेट ही सेट आफ्टरवर्ड, आफ्टरवर्ड्स बाद में, यू आर आस्किंग फॉर ट्रबल, ट्रबल तकलीफ, ओके, सुनिए जी इसका, इसने बाद में कहा कि जो ही आप कोई अफजाइशी करते हुए जरासीम की प्लेट खोलते हैं तो मुसीबत को दावत दे रहे होते हैं, कैसे दावा देते हैं, हम आगे पढ़ते हैं इसको, थिंग्स ड्रॉप फ्रॉम द एयर, कहता हवा से कुछ चीज़ें गिरती हैं, कहाँ गिरती हैं, उस प्लेट के ऊपर जहाँ उसने जरासीम की कॉलोनियाँ लगाई होती हैं, अफजाइश कर रहा होता था, वन ऑफ दोज बिट्स ऑफ ट्रबल हैपन टू बी पेंसिलिन, ओके, वो कहते हैं ऐसे ही थोड़ी बहुत मुसीबतों में से एक पेंसिलिन वाकई हुई, मतलब ऐसे ही पेंसिलिन की दरियाफ्त अचानक हो गई जब उसने प्लेट के अंदर वो कॉलोनीज लगाई हुई थी जाम्स की, तो ऊपर से कोई चीज़ हवा में से आके अंदर गिरी, तो कहते हैं ऐसे ही एक्सीडेंटली जो है वो पेंसिलिन बन गई, अ मोल्ड स्पोर कमिंग फ्रॉम आई डोंट नो वेयर ड्रॉप्ड ऑन द प्लेट, ओके, अब एलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात हो रही है, वो खुद कह रहा है ये बात इन्वर्टेड कॉमास में की गई है, इसका मतलब है एलेक्जेंडर फ्लेमिंग की सेइंग है, उसका अपना अदा किया हुआ जुमला है, वो कहते हैं अ मोल्ड स्पोर, अब मोल्ड क्या होते हैं, फुफूंदी को कहती हैं और स्पोर बीज को कहते हैं, ठीक है, मतलब फुफूंदी का बीज, कमिंग फ्रॉम आई डोंट नो वेयर, वो कहते हैं फुफूंदी का बीज आया कहाँ से आया, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, वेयर ड्रॉप्ड ऑन द प्लेट, कि प्लेट में आके कहाँ से गिरा, गिरा तो हवा से, लेकिन उसे ये नहीं पता कि हवा से गिरा तो आया किस जगह से वो, ठीक है, हवा उसे कहाँ से उठा कर लाई, अब वो फुफूंदी का बीज जो था वो डायरेक्ट उसी प्लेट में आकर गिर गया जिसमें उसने आगार यानी वो सब्जा का मादा या वो कॉलोनीज लगाई हुई थी, ओके, नेक्स्ट प्रिजेंबली गालबन द स्पोर ऑफ द मोल्ड और फंगस वॉज ब्लोन इन थ्रू द विंडो, स्पोर ऑफ द मोल्ड वही फपूंदी का बीज और फंगस, फंगस की फपूंदी को ही कहते हैं, वॉज ब्लोन कहता है ब्लोन शायद उड़ के आया हो इन इन अंदर थ्रू द विंडो खिड़की के जरिए, ओके, तो गालबन फपूंदी या खुम्बी का बीज ब्लोन बहुत ज़ोर से बड़े ज़ोर से उड़ कर खिड़की से अंदर आया हो, ओके, इट मे हैव कम फ्रॉम द लार्डर, ओके, अब लार्डर क्या चीज़ होती है, एक्चुअली लार्डर जो है वो इसे कहते हैं जिसमें जिसे स्टोर रूम कहा जाता है, ठीक है, जहाँ पर खाने पीने की चीज़ें रखी जाती हैं, ठीक है, जिसे आप लोग नेमत खाना भी कह सकते हो, सो इट केम इट मे हैव कम फ्रॉम द लार्डर ऑफ अ फॉरगेटफुल, फॉरगेटफुल जो भूल जाने वाली होती हैं भुलक्कड़, पेडिंगटन हाउस वाइफ, पेडिंगटन की हाउस वाइफ घरेलू औरत, ओके, फिर सुन लीजिए कि ये पेडिंगटन के किसी भुलक्कड़ औरत के नेमत खाना से आया हो, ओके, मतलब उसके स्टोर रूम से आया हो जहाँ पर खाने पीने की चीज़ें पड़ी होती हैं, फॉर दिस पर्टिकुलर मोल्ड कॉमनली ब्रीड्स ऑन डैम्प ब्रेड, ब्रीड परवरिश पाना, ठीक है, पैदा करना, और डैम्प का मतलब गीला मरतूब नमदार, ठीक है, ब्रेड तो रोटी होता है, फॉर दिस पर्टिकुलर मोल्ड कॉमनली ब्रीड्स ऑन डैम्प ब्रेड,
कहते क्योंकि ये ख़ास किस्म की फफूंदी गीली रोटी पर होती है, चीज़ या पनीर पर एंड प्रिजर्व्स या महफूज की हुई चीज़ों पर पैदा होती है। ठीक है, फिर सुन लीजिए, कहते हैं क्योंकि ये ख़ास किस्म की फफूंदी गीली रोटी पनीर और महफूज की गई अशिया पर पैदा होती है। तो ये अशिया ज़ाहरी बात है कि किसी भी घरेलू औरत के उस जिसे हम पेंट्री भी बोलते हैं या स्टोर होता है या नेमत खाना जहाँ खाने पीने की अशिया होती हैं, अल्लाह पाक का रिस्क पड़ा होता है, ये सब चीज़ें जैसे पनीर भी है, ब्रेड भी है, तो कहता है कि शायद ये वहाँ से उड़ कर खिड़की के ज़रिए उस प्लेट पर आकर गिरा हो। इट ग्रोज बेस्ट व्हेन द कंडीशंस आर कूल एंड डैम्प। ओके, इट का मतलब यहाँ पर वही फफूंदी के बीज की बात करें कि बेहतरीन सूरत में उस वक्त बढ़ती है, मतलब इसकी अफजाइश होती है जब मौसम ठंडा और मरतूब होता है। एंड द समर ऑफ 1918 वाज वेरी कूल एंड डैम्प। ओके, और 1928 का मौसम है गर्मा, बहुत ठंडा और मरतूब था। आपको बताऊँ कि फफूंदी या जिसे आप लोग फंगस बोलते हैं, ये हमेशा उसी जगह पर लगती है जहाँ पर थोड़ी सी नमी होती है। इसलिए कहा जाता है कुछ चीज़ों के बारे में कि जब आपने उसे प्रिजर्व करना हो तो आप उन्हें एयर टाइट बॉक्सेस में या लंच बॉक्सेस में रख के आप रखें, फ्रीज करें, ठीक है, ताकि उनके अंदर नमी ना आए। अगर उस चीज़ में वो चीज़ गीली है, वेट है, ठीक है, और बाहर से अगर उसमें नमी आ जाती है तो उसको फ़ौरन से फफूंदी लग जाती है, फंगस लग जाती है, हम नहीं खाते, उसको हम जो है वो फेंक देते हैं, ठीक है, डिस्कार्ड कर देते हैं। तो ऐसे ही जैसे आपकी ब्रेड है, अगर ब्रेड को कहीं से नमी लग जाती है, मतलब वो पहले ही उसकी एक उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, जब उससे हल्की सी नमी मिले कहीं से, तो आपने देखा होगा कि ब्रेड जिसे आप लोग डबल रोटी बोलते हैं उसके ऊपर फ़ौरन से फफूंदी, जैसे एक रुई होती है, रुई के गाला होता है, उस उसके ऊपर रुई रुई सी आ जाती है, ठीक है, तो उसे हम लोग फंगस या फफूंदी बोलते हैं। ऐसे ही आपके गुदों पिकल्स यानी अचार को अगर हम लोग सही तरीके से बंद ना करें उनके जार्स में, या हम उसके अंदर गीला चम्मच रख दें, तो आप देखेंगे कि अचार को फ़ौरन से फफूंदी यानी फंगस लग जाती है, वो अचार ख़राब हो जाता है। ठीक है, ओके, मुझे उम्मीद है अब आपको मेरा पॉइंट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ, हैविंग सेटल्ड ऑन द कल्चर प्लेट द मोल्ड बिगेन टू ग्रो। हैविंग सेटल्ड ऑन द कल्चर प्लेट, अब कल्चर प्लेट मैंने आपको पहले भी बताई, ऐसी प्लेट जिसके ऊपर आप जो है वो जरासीम वगैरह उनकी अफजाइश करें अपने तजुर्बात के लिए। ठीक है, तो कहते हैं राइटर कि इस जरासीम पालने वाली प्लेट पर जम जाने के बाद फफूंदी बढ़ना शुरू हो गई, मतलब आहिस्ता आहिस्ता वो इनक्रीज करना हो गई, शुरू हो गई। एंड ऑलमोस्ट एट वंस द माइक्रोब्स अराउंड इट बिगेन टू डिसअपियर। माइक्रोब्स छोटे छोटे खुदबीनी जानदार जर्म्स जिसे कहते हैं, अराउंड इट इसके गिर्द बिगेन टू डिसअपियर, और वो गायब होना शुरू हो गए। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है राइटर कि जो ही वो मतलब उसके ऊपर बाहर से फफूंदी प्लेट पर गिरी और फफूंदी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गई, तो वही प्लेट जिसके ऊपर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो जाम्स लगाए हुए थे उनकी अफजाइश कर रहा था, तो कहता आहिस्ता आहिस्ता देखा कि उस फफूंदी के गिरने की वजह से वो जाम जो थे वो आहिस्ता आहिस्ता मरना शुरू हो गए, यानी कि वो गायब होना शुरू हो गए। तो यहाँ से फिर उसको अंदाज़ा हुआ, तो उसके उसके माइंड ने क्लिक किया कि इसमें ज़रूर कोई ऐसी चीज़ है इस फफूंदी में जिसने तमाम जर्म्स को मार दिया। ठीक है, मतलब ये सब चीज़ें बहुत एक्सीडेंटली हुई। फ्लेमिंग पुट असाइड द वर्क, पुट असाइड बिल्कुल एक तरफ कर देना, ठीक है, रख देना। फ्लेमिंग ने अपना काम जो तजर्बा कर रहा था, एक्सपेरिमेंट कर रहा, उसने उसे एक तरफ रखा। ही वॉज डूइंग एंड बिगेन टू इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट करना, तहकीक करना, तफ्तीश करना, उसने क्या किया फ़ौरन से इस पर तहकीक करना शुरू हो गया, शुरू कर दी, सॉरी। ही मेड अ प्योर कल्चर ऑफ द मोल्ड, अब के बाद उसने क्या किया, प्योर खालिस कल्चर ऑफ द मोल्ड, अब उसने फफूंदी ली, असल फफूंदी, और उसको उसने एक उसका खालिस किस्म के कल्चर प्लेट उसकी तैयार की। पहले तो फफूंदी बाहर से आ गई अचानक और उस जाम्स के ऊपर आकर गिरी, अब उसने खुद से फंगस ली या फफूंदी ली, ठीक है, और उसको उसका कल्चर बनाया, कल्चर प्लेट में उसको डाला। एंड ट्राइड इट्स इफेक्ट ऑन अदर बैक्टीरिया, और उसने दूसरे बैक्टीरिया ने जरासीमों पर इसके असर को चेक किया कि कितना इफेक्ट कितनी इफेक्टिव है ये फफूंदी इन जाम्स पर। सम ग्रू राइट अप टू इट, कुछ तो कहते हैं कि क्या हुआ कि उसके बाद थोड़ी सी उनकी सीधे हुए, बढ़ना शुरू हो गए, ठीक है, इस मतलब जरासीम पर जब इसका असर हुआ
तो बाज बैक्टीरिया यानी जरासीम सीधे इस पर मतलब बढ़ने लगे। सम ग्रू राइट अप टू इट एंड अदर्स लाइक द स्टेफिलोकोकल स्टॉप शॉर्ट। लेकिन ये दूसरे बैक्टीरिया जैसे कि ये कॉमन बैक्टीरिया का नाम उसने पहले बताया स्टेफिलोकोकल, वो बिल्कुल ही मतलब छोटे हो गए स्टॉप्ड और वहीं उनकी ग्रोथ रुक गई। और इनहिबिटेड बाय इट्स एंटी बैक्टीरियल एक्शन, इनहिबिटेड रोक देना, और क्या हुआ कि इन जर्म्स की अफजाइश वहीं रुक गई। और कैसे रुकी? बाय इट्स एंटी बैक्टीरियल एक्शन। ओके, उस जरासीम कुछ जो है ना अमल की वजह से, मतलब ये आगे नहीं बढ़े। जरासीम कुछ अमल किसने किया? उसी फफूंदी ने किया। अब आपको इस बात की समझ आनी चाहिए, थोड़ा सा एक साइंटिफिक पॉइंट है, ठीक है, कि उसने पहले एक कल्चर प्लेट, असल में जो प्योर उसके पास फंगस थी उसने कहीं से ली, उसको तैयार किया, मतलब प्लेट में उसने वह तमाम फंगस को डाला, ठीक है। फिर उसने उसको चेक किया दूसरे बैक्टीरियाज पर, ठीक है, उसने देखा कि कुछ बैक्टीरिया पे जब इसका असर हुआ कुछ की तो मतलब थोड़ा सा ग्रोथ हुई, लेकिन जो दूसरे थे जैसे स्टेफिलोकोकल था उसकी ग्रोथ फौरन से रुक गई इसी जरासीम कुछ तरीके के वजह से, उसके असर की वजह से, ठीक है। मतलब जर्म जो थे, बैक्टीरिया जो थे, जिसका मतलब जरासीम ही है, वो ख़त्म होना शुरू हो गए। ओके, नेक्स्ट। सो इन दिस डायग्राम, इन दिस पिक्चर सॉरी, यू आर सीइंग द टू मेन पिक्चर्स। नंबर वन इज द कलोनीज ऑफ द जर्म्स, जिसका मैं आपको जिक्र कर रही थी कि ये सब जंग की देखें ये लगी हुई है इसके ऊपर, और यहाँ पर इसने जर्म्स लगाए, ठीक है, इसने पहली जो कल्चर प्लेट तैयार की थी ना, तो इसने ऐसे इसके ऊपर अगार लगा, ये सब जंग का जिसे हम काई बोलते हैं, ठीक है। अब क्या था, ये उसने दूसरी भी कल्चर प्लेट तैयार की, ठीक है, और जब उसने कल्चर प्लेट तैयार कर ली तो उसके बाद जब उसके ऊपर आके मतलब उसने उसका एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया, ठीक है, पहले तो उसने वो बाय चांस कर रहा था और कल्चर प्लेट में उसने जाम्स की जो थी लगाए हुए थे उसने और उनकी अफजाइश कर रहा था, तो अचानक जो ऊपर से फंगस आके गिरी तो उसने नोट किया कि वो ख़त्म होना शुरू हो गए हैं। फिर उसने असल फफूंदी ली, जैसे आप देख रहे हो कल्चर प्लेट दूसरे नंबर पे दिखाई गई है, उसने असल फफूंदी ली और इस तरह से उसने वो कल्चर प्लेट तैयार की, जैसे ये ब्लैक कलर की आपको दिखाई दे रही प्लेट, ठीक है। नेक्स्ट भी क्या हुई, देखिए कि जब उसने उस पर इसका इफेक्ट चेक किया फंगस का, उस देखें ग्रीन कलर के उस पर उसने पेट्री डिश भी इसको बोलते हैं, तो उसने क्या किया, देखा कि आहिस्ता आहिस्ता जो जाम थे वो उस फफूंदी के असर से ख़त्म होना शुरू हो गए, ठीक है। अब आपको ये पिक्चर देखकर भी समझ आ गई होगी। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट पैराग्राफ, द नेक्स्ट स्टेप वॉज टू प्रोड्यूस द एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंस फ्री ऑफ द मोल्ड। ओके, अगला स्टेप ये था कि वॉज टू प्रोड्यूस, पैदा करना था द एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंस। एंटी बैक्टीरियल का मतलब कि ऐसा सब्सटेंस जो जरासीम कुश हो, ठीक है, जरासीम मतलब फपूंदी से आदाल से जरासीम कुश मादा पैदा करना था फ्री ऑफ द मोल्ड। फ्लेमिंग डिड दिस बाय प्लेटिंग द मोल्ड ऑन अ मीट ब्रोथ, मीट गोश्त का ब्रोथ शोरबा यानी कि सूप। ओके, और फ्लेमिंग ने कैसे किया, कहते फ्लेमिंग ने ये काम फपूंदी को गोश्त की यखनी या सूप पर चिपका कर ये अमल किया। ओके, मतलब उसने यखनी ली और उसके ऊपर उसने फपूंदी डाली और फिर उसका असर चेक किया। इट ग्रू ऑन द सरफेस एज अ फेल्ट लाइक मैस, मैस मतलब वो और उसके ऊपर उस जगह पर मतलब शोरबे के ऊपर वो जो फपूंदी थी वो ऐसे उगी जैसे जो है ना सफ़ेद रंग की रुई होती है। आपने देखा होगा अक्सर कि ब्रेड को जब फंगस लग जाती है, फफूंदी लगती है, तो रुई के गाले की मानी होती है, तो शोरबे के ऊपर भी फफूंदी ऐसे ही लगी। एंड टर्न द ब्रोच येलो, और उसके बाद क्या हुआ, जब फंगस लग गई उस शोरबे को या यखनी को, तो उसके बाद उस यखनी का रंग पीला हो गया। आफ्टर द वीक्स ग्रोथ ही द फ्लूइड वॉज स्ट्रेन, स्ट्रेन छानना, स्ट्रेन छलनी से गुजारना, थ्रू अ फाइन फिल्टर एंड टेस्टेड फॉर इट्स एंटी बैक्टेरियल प्रॉपर्टीज़। ओके, और उसके बाद उसने क्या किया कि एक हफ्ते की अफजाइश के बाद उसने उस रतूबत को मतलब उस शोरबे को बहुत ही उम्दा फिल्टर में छाना, उसमें से गुजारा, ठीक है, एंड टेस्टेड फॉर इट्स एंटी बैक्टेरियल प्रॉपर्टीज़, और इसकी जरासीम कुछ खसूसियात का फिर उसने जायज़ा लिया, ठीक है, अपने एक्सपेरिमेंट को फिर उसने एग्जामिन किया। द रिजल्ट वर एज फेवरेबल एज बिफोर
एंड फ्लेमिंग न्यू दैट ही हैड डिस्कवर्ड अनदर नेचुरल एंटीसेप्टिक विद अ ग्रेटर पॉसिबिलिटीज देन लाइसोजाइम। ओके, और फिर उसने नतायज पहले की तरह ही हौसला अफजा थे और फ्लेमिंग को पता चल गया कि इसने लाइसोजाइम के निस्बत कहीं ज़्यादा अच्छे इम्कान वाला एक दूसरा कुदरती जरासीम कुछ जो है दरियाफ्त कर लिया है। आपको पहले मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि उसने लाइसोजाइम कैसे दरियाफ्त किया, ठीक है। फिर लाइसोजाइम पहले दरियाफ्त हुआ, हमने कहा था वो पेशियों था पेंसिलिन के लिए, तो पहले वो दरियाफ्त हुआ। फिर उसने जब पेंसिलिन को दरियाफ्त किया और जब अपने एक्सपेरिमेंट के बाद इस नतीजे पर पहुँचा कि पेंसिलिन जो है वो उसने कोई ऐसी चीज़ दरियाफ्त कर ली है सॉरी जो कि जरासीम कोश है और जो लाइसोजाइम से कहीं ज़्यादा इम्कानात वाला है, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है, तो ही कॉल्ड इट पेंसिलिन, उसने इसको पेंसिलिन का नाम दिया। ओके, अब आपको समझ आ गई होगी कि पेंसिलिन कैसे हादसाती तौर पर एक्सीडेंटली बाई चांस कैसे बनी। ओके, कोई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसके लिए कोई प्लान नहीं किया था, मतलब बाय चांस उसकी दरियाफ्त होगी, जब भी तो वह कहता है कि इसकी जो इसका जो पहला स्टेप था वो बाय यू कैन से गुड फॉर्च्यून था, एक खुशकिस्मती था उसके लिए। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ, फर्दर एक्सपेरिमेंट शोड दैट इन इट्स इफेक्ट्स ऑन जर्म्स लाइक स्टेफिलोकोकी पेंसिलिन वॉज अबाउट थ्री टाइम्स एज स्ट्रॉन्ग, थ्री टाइम तीन गुना एज स्ट्रॉन्ग एज कार्बोलिक एसिड। ओके, कहते हैं कि पेंसिलिन फर्दर मजीद तजर्बात से जाहिर हुआ कि स्टेफिलोकोकाई जैसे जरासीम पर अपने असरात में पेंसिलिन कार्बोलिक एसिड से तकरीबन तीन गुना ज़्यादा ताकतवर थी। ठीक है, हमने सबसे पहले पढ़ा था कि कीमियाई मादा कार्बोलिक एसिड दरियाफ्त किया था जरासीम को मारने के लिए। हमने फिर ये भी पढ़ा था कि कार्बोलिक एसिड जर्म्स को तो मारता था लेकिन उसके साथ साथ हमारी बॉडी में जो लीकोसाइट्स यानी कि खून के जो सफ़ेद खुलिए थे उनको भी ख़त्म कर देता था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो अब बहुत से एक्सपेरिमेंट्स के बाद अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने यह नतीजा किया कि ये जो पेंसिलिन है ठीक है ये इन जरासीम को पर अपने असरात में जो है वो कार्बोलिक एसिड से तीन गुना ज़्यादा ताकतवर थी। ठीक है, वट वॉज फार मोर इम्पॉर्टेंट वॉज दैट अनलाइक कार्बोलिक एसिड एंड ऑल अदर केमिकल एंटीसेप्टिक इट हैड नो टॉक्सिक जहरीली इफेक्ट एट ऑल ऑन लीकोसाइट्स, लीकोसाइट सफ़ेद खुलियों पर। ओके, क्या जो बात इससे कहीं ज़्यादा अहम थी वो ये थी कि पेंसिलिन के जिस्म के सफ़ेद खुलियों पर कोई मतलब मोहलिक असरात ना थे। ठीक है, मतलब ये वो पहली एंटीसेप्टिक बनी जो वाइट सफ़ेद खुलियों के लिए नुकसानदेह साबित नहीं हुई थी। ठीक है, थियोरेटिकली इट लुक लाइक एन आइडियल जर्म किलर। ओके, थियोरेटिकली अमली तौर पर ठीक है कहते हैं, लेकिन अमली तौर पर ये इट लुक लाइक एन आइडियल जर्म किलर, ये बड़ी ही नज़रियाती किस्म की जरासीम कुछ दवा थी। ठीक है, बट ओके द एंटीसेप्टिक दैट हैड बीन सॉट नेवर सिंस पास्टर डिस्कवर्ड द जर्म्स। ओके, द एंटीसेप्टिक ये वो जरासीम कुछ दवा थी दैट हैड बीन Thought over since Pasteur discovered germ, और ये कहता है इसकी तलाश उस वक्त से जारी थी जब से Pasteur ने जरासीम दरियाफ्त कर लिए, मतलब जब Pasteur ने ये बात डिस्कवर की कि जरासीम भी कोई चीज़ है और इंसान की बॉडी के लिए कितने नुकसान दिए हैं, तो उस वक्त से इस चीज़ की तलाश थी कोई ऐसी दवा बनाई जाए जो जरासीम कुश हो और जो इन जरासीम को ख़त्म कर दे। ओके, इन प्रैक्टिस देर वॉज वन बिग ऑब्स्टिकल, लेकिन कहता इन प्रैक्टिस अमली तौर पर ऑब्स्टिकल रुकावट कहता, लेकिन अमली तौर पर एक बड़ी रुकावट थी क्या कि इन इट्स क्रूड फॉर्म पेंसिलिन वॉज अनस्टेबल, क्रूड खाम हालत को, खाम हालत मतलब रिफाइंड फॉर्म ना हो, अच्छी
हालत में ना हो। कहते हैं कि इन इट्स क्रूड फॉर्म पेंसिलिन वॉज अनस्टेबल। अनस्टेबल का मतलब होता है मतलब कोई प्रॉपर शक्ल ना होना, ठीक है। ओके, कहते हैं कि इसकी सबसे बड़ी रुकावट क्या थी कि पेंसिलिन अपनी खाम शक्ल में पायदार ना थी, ठीक है, जिसको इस्तेमाल किया जाता। इन एंड इट कुड नॉट बी यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, और इसको बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था अनटिल अ मींस जरिया वॉज फाउंड ऑफ कंसनट्रेटिंग इट। ओके, कहते हैं कि इसे उस वक्त तक नहीं इस्तेमाल कर सकते थे कि जब तक इसे मुतकिफ़ करने के लिए कोई ज़रिया न अपना लिया जाए। ओके, कि खाम हालत में थी तो इसको हम इलाज के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। तो कहते हैं इसको इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो ये कि इसको हम किसी अच्छी फॉर्म में लेके आए और फिर इसको अपनी बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल कर सकें। ओके, नेक्स्ट वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। डिस्क्राइब हाउ फ्लेमिंग डिस्कवर्ड पेंसिलिन। आंसर, फ्लेमिंग हैड ग्रोन कॉलोनीज ऑफ सर्टन जर्म्स। फ्लेमिंग ने जरासीमों की कॉलोनी बनाई, ठीक है, खास किस्म की। फ्रॉम समवेयर, कहीं से भी केम अ मोल्ड स्पोर, और कहीं से फफूंदी का एक बीज आया। सेटल्ड ऑन द कल्चर प्लेट, और वो उस कल्चर प्लेट पर आके ठहर गया। एंड बिगेन टू डिस्ट्रॉय द जर्म्स, और वो जरासीम को तबाह करना शुरू हो गया, यानी ख़त्म करने लग गया। ही डेवलप्ड द मोल्ड ऑन ब्रोथ, और फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने उस यखनी के ऊपर उस फफूंदी को की अफजाइश की। देन फिल्टर्ड इट, फिर उसने उसको छान लिया। एंड गॉट पेंसिलिन, और पेंसिलिन हासिल कर ली। ओके, आपने ये क्वेश्चन का जो आंसर है आपके पूरे लेक्चर पर ही है आज के, आपको पूरा जो लेक्चर दिया गया है उसमें यही कुछ बताया गया जो आपके क्वेश्चन का आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। इन व्हाट रिस्पेक्ट इज पेंसिलिन बेटर देन द केमिकल एंटीसेप्टिक्स। कहते हैं कि किस लिहाज से पेंसिलिन जो कीमियाई मादे जरासीम कुछ कीमियाई मादों से बेहतर है। आंसर, इट वॉज अ नेचुरल जर्म किलर, ये कुदरती जो है जरासीम कुछ दवाएँ हैविंग नो हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द वाइट सेल, जो सफ़ेद खुलियों पे बिल्कुल भी नुकसान नहीं देता या बुरे असरात नहीं रखता। इट वॉज 3 times एज स्ट्रॉन्ग एज कार्बोलिक एसिड, और ये इतनी ही स्ट्रॉन्ग है अपने असर में इतनी जैसा कि कार्बोलिक एसिड। ओके, थैंक यू वेरी मच।